हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा नाम है वजह। तो यार हनुमान जी ने भाई माता जी को बचाया, अब आगे देखते आगे होता है क्या। स्टार्ट उनका उद्देश्य अपने होने वाले माता पिता अंजना और केसरी का मिलन कराना। हाँ मैं ठीक कह रही हूँ ना स्वामी? हाँ प्रिय, ये सारी लीला बाल हनुमान के रूप में भगवान शंकर ने ही की थी। भगवान शिव जी ने। मट्टी चूर गई। आपका स्वागत है। बेटी अंजना, यही है वे वानर राज केसरी जिनकी चर्चा मैंने तुमसे की थी। वीरवर, ये वानर राज कुंजर की पुत्री देवी अंजना है। इस रुद्राक्ष माला की यात्रा अभी आरंभ हुई है। पुंजक स्थला ने जो माला देवगुरु बृहस्पति को अर्पित की थी वो केसरी के पास कैसे पहुंच गए? वानर राज केसरी की माता थी वानर सुंदरी रिक्ष, बृहस्पति के पुत्र गदगद और गदगद के पुत्र केसरी। सर्वज्ञानी बृहस्पति ये जानते थे कि अंजना और केसरी की भेंट अवश्य होगी। केसरी के गले में पड़ी वो रुद्राक्ष की माला अंजना के लिए एक संकेत थी। केसरी के प्रति जो आकर्षण उसके मन में जागा है उसे स्वयं गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त है। जो प्यार जागा है हमारे इस यज्ञ में निरंतर कुछ न कुछ विघ्न आता रहा है। आज आपने यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न कराने का प्रण लिया है, हम आभारी हैं। आप निश्चिंत होकर यज्ञ आरंभ कीजिए ऋषिवर, आज किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। ये क्योंकि वो जो प्रण तो ले लिया था पर कार्य बड़ा दुष्कर था। रावण के बढ़ते प्रभाव से अनेक प्रकार के पापी और असुरी शक्तियां बलशाली हो गई थी। यज्ञ जब तब आदि करने वालों के ये दुराचारी विशेष शत्रु थे। शंभ साधन भी ऐसा ही एक मायावी राक्षस था जो सदैव ही मतवाला होकर सबको सताता रहता था, क्योंकि
उसे किसी भी शस्त्र से ना मारे जाने का वरदान प्राप्त था। इसी कारण से उसे मारना बहुत कठिन हो गया था। तो यार तो फिर उनकी मौत किस तरह, मतलब किसी के हथियार से नहीं मार सकता तो फिर बाद में हो सकता है। दैवी भाव का तोड़ तो होता है, तुझे पता है भगवान विष्णु जी का। अरे अरे यज्ञ हो रही है, ये राक्षस भी पता नहीं कैसे कैसे वरदान ले गए बैठे हुए। पर लला अपने वो धर्म के रास्ते पे चलने के लिए ना ना क्योंकि जो जो कड़िया छोटी जाएंगी वो बनती जाएंगी। ओम केशवाय नमः स्वाहा स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा स्वाहा। आई थिंक रात हो गई। अरे अंजना जी फिर आई हैं, वे आप पैरा दे रहे हैं। हे गौरी शंकर, क्योंकि वो कहा था ना केसरी के जीवन की रक्षा करना, अब वानर राज इनकी देना ना। वह राक्षस बड़ा ही दुष्ट है, वाक्य वो तो है यार। कुछ ऐसा करे लेकिन उसकी टेंशन है ना आ सके। अंजना जी उसका बुरा टाइम शुरू हो गया। हाँ चलो भैया। हाँ ये आई थिंक वही है, वही है। नहीं नहीं वो कुछ जाप शाप कर रहे हैं या तपस्या मंत्र शंतर होते हैं। हाँ ये भी हो सकता है बड़ा। अरे यहाँ पे ये वही कर रही है, हालांकि देखा इनका काम पे भी नहीं लग रहा है यानी कि इस वजह से। और वानर राज जी भी जो है ना देखे जा रहे हैं। हाँ हे ईश्वर मुझे वो शक्ति देना कि मैं रण में संभ सदन से जीत सकूं और सुंदरी अंजना का हृदय भी जीत सकूं। ओ अरे उनका दिल क्या, उनका दिल तो आपकी तरह मदहोश ऑलरेडी हुआ है यार। फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा ये होता है तो केन को भी हो गया। हाँ अब उनको नहीं पता कि भाई अंजना जी को ऑलरेडी जो फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा था। धन्यवाद देवी अंजना, बड़ी सहजता से आपने मेरे संध्या वंदन के समय यज्ञ की रक्षा का दायित्व ले लिया। आपकी सुंदरता के समान आपका साहस भी अतुलनीय है। भाई अप्सरा थी ना मसला ये। अब क्या होगा, ये राक्षस सुधरेगा नहीं क्योंकि शक्तिशाली है ना मसला। डरे नहीं देवी अंजना, आप मेरी रक्षा में हैं। ये तो है आप भाई देखो यार में बहुत शक्तिशाली कोई हथियार ही ऐसा नहीं हो रहा। अब ये देखना है कि ये वानर राज कितने शक्तिशाली है। जब अब गहरी बात है युद्ध तो होना ही है, जब वो आ गए हैं तो वो तो इनके हट लगी हुई है कि शादी कर रही है और यहाँ भी आ गए। लेकिन इधर यही कुछ नहीं पूरा गुलाब उठा के इतना बड़ा पत्थर उनको हिले भी नहीं मारे। बच गए अग्रिम, वो तो हिला भी नहीं है और ये बच्चे हैं अग्रिम को लगता तो अब कैसे करेंगे वानर राज इनके मुकाबला। लेकिन है तो इनके थ्रू है क्योंकि वो
अबे तो बिल्कुल माता जी के करीब आ गया अंजना जी ओए। हाँ, हाँ, और भाई इसको असर ही कुछ थी, वो तो बड़ा पत्थर कम से कम इतना बड़ा पत्थर, और पत्थर तो पता है इतना भी हो तो कितना हैवी होता है। अबे हाँ ना, उसको लगा वो हिला भी नहीं है जगह से, यानी कोई हथियार असर ही नहीं करेगा भाई, चाहे वो पत्थर है तो चाहे वो जो भी। हाँ लेकिन देखो अब वो होता क्या, क्योंकि जारी बात है अब अंजना जी की जो रक्षा है वो करेंगे वानर राज जी। बिल्कुल, और भाई साहब अंजना जी के बिल्कुल सामने भी आ गया, पता नहीं कैसे करेंगे उनको, तो कुछ हो भी नहीं रहा। यही तो बात है कि ये राक्षस सुधरता नहीं है। मुझे उस टाइम जब वो अपना वानर राज जब कह तो मुझे ऐसी आ गई इस पे कि भाई मैंने कहा इसका क्या हाल होगा, लेकिन फिर बाद में मुझे याद है इन पे तो कोई हथियार भी फिर असर नहीं करता, फिर वानर राज फिर कैसे है भाई लड़ेंगे यार वानर राज, क्योंकि आप उनकी शक्तियों का तो नहीं पता ना इतना यार। चल हाँ शक्ति है लेकिन होंगे तो सही, लाजमी बात है, ऐसा भी नहीं है। अबे जो इतना बड़ा पत्थर उठा सकते हैं तो आखिर क्या क्या शक्तियां होंगी वो सोचो, वही ना लेकिन अब आगे देखते हैं, अब आगे आखिर होता है क्या, क्या? तो बाय।